में मैं भेज रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, किसी से तेरे बड़ा फर्क से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक पे जिला देना बगावत है, अगर सच्चाई लगा गीत गाना ही बगावत है, तो हम भी एक बागी है मेरा मजा बता, मुसलमान भी मर बना चुके हैं, और इसमें मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ पर चोरी चोरी नहीं जाता हूँ, खुले आम जाता हूँ, ये कोई लेना नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीत का मैं विरोधी हूँ। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये एक ऐसा नाम जो कुछ सालों से काफी चर्चा में है। कद्दावर नेता होने की वजह से तो चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लगा उसके बाद से इनके चर्चे और होने लगे। लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी कि पता नहीं इस बार इनको टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और आखिर में मिला भी नहीं। बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दिया, जिसके बाद वो लगातार अपने बेटे करण भूषण के लिए प्रचार कर रहे हैं। बेटे के प्रचार के दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उन्होंने जो बयान दिया है ना, जो बातें कही हैं, वो बयान कैसरगंज और आसपास की सीटों पर चुनाव से पहले, यानी कि कैसरगंज में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है। जी हां, बता दें कि ब्रजभूषण बीजेपी के तमाम नेताओं से अलग हैं, वो अपने तेवर की वजह से जाने जाते हैं। अगर यह कहा जाए कि ब्रजभूषण को बीजेपी की नहीं बल्कि बीजेपी को ब्रजभूषण शरण सिंह की जरूरत है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। आपको बता दें कि बेटे करण भूषण के लिए प्रचार के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने बुलडोजर नीति का खुलकर विरोध किया है। गोंडा में ब्रजभूषण ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बेटे करण के लिए वोट मांगे और बुलडोजर नीति का खुलकर विरोध किया, और साथ ही कहा कि जो भी आपका वोट होगा वह हमारे लिए होगा, लेकिन किसी के लिए या थप्पड़ होगा जो 500 से 700 किलोमीटर दूर बैठकर मेरे राजनीतिक जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, वे वहीं बैठे बैठे दुआ कर रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से दुआ कर रहे हैं कि मेरी बर्बादी की कहानी की, वे मेरी बर्बादी का तमाशा देखना चाहते हैं। तो उनका इशारा साफ था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, किसके ऊपर ब्रजभूषण हमला बोल रहे हैं, किसके ऊपर उनका इशारा है, उनका निशाना है। ये जो 500 से 700 किलोमीटर की बात हो रही ना, यहाँ पर मतलब दिल्ली में बैठे हुक्मरानों की, यानी कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही शायद, और जिनको डर था कि कहीं अगर ब्रजभूषण को टिकट दिया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी, इसलिए बेटे को टिकट दिया। टिकट तो परिवार में ही देना था, नाराज भी नहीं करना था, सीट भी नहीं गंवानी थी। बीजेपी को पता था कि ब्रजभूषण के अलावा अगर किसी और को टिकट दिया गया तो वो सीट कैसरगंज सीट बीजेपी के हाथ से निकल सकती है, इसलिए ब्रजभूषण के परिवार में ही बेटे को टिकट दिया। वही जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान से भी यही अपील करता हूं। ब्रजभूषण ने कहा कि मैं मुसलमान से भी यही अपील करता हूं, और मुसलमान भी मन बना चुके हैं, इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं कि मुसलमान के यहां मैं चोरी चोरी नहीं जाता हूं, खुलेआम जाता हूं। जब कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। मैंने खुले मन से बोला था कि मैं बुलडोजर नीति का विरोधी हूं, घर बड़ी मुश्किल से मिलता है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसलिए मैंने कहा था कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है, इसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बताए कोई। तो कैसरगंज से जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बड़ा ऐलान किया है। मतदान से पहले यह उनका एक बड़ा सियासी बयान है, और यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के बीच जाकर उनसे मिलकर वो ये बताना चाहते हैं कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं और कैसरगंज का मुसलमान उनके साथ है, और शायद
ये बात बीजेपी को नागवार गुजरती है, क्योंकि खुले तौर पर बीजेपी नेता मुसलमानों का समर्थन करते हुए या उनके बीच जाते हुए कम दिखाई देते हैं। लेकिन ब्रजभूषण ही एक ऐसे बीजेपी नेता है जो मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच में ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके क्षेत्र में उनको पसंद कर रहे हैं। अब वो बयान आपको सुनाते हैं जो इस वक्त छाया हुआ है और बीजेपी के टेंशन बढ़ा रहा है, जरा आप भी सुनिए। और उस संयंत्र का जवाब आपको अपने वोटों के द्वारा देना है। और कहीं न कहीं अगर 2,87,000 के जगह पर 5,00,000 कुछ हो जाएगा, 5.5 लाख हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, तो समझ लो उतना तमाचा हमारे उन दुश्मनों को पड़ जाएगा जो घर बैठे मेरी राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। मैं गरीबों की मदद न कर सकूं, इसलिए मेरी राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं। इन सपनों के साथ पुनः आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके अमीर गरीब सभी जात बिरादरी के लोगों को, हिंदू मुसलमान सबसे, मैं मुसलमानों से ये अपील करता हूँ। मुसलमान भी मन बना चुके हैं और इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूँ कि मुसलमान के यहाँ में चोरी चोरी नहीं जाता हूँ, खुलेआम जाता हूँ। ये कोई नेता नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, उसके पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी, घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसी ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, किसी सोटे को नफरत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिला देना बगावत है। अगर सच्चाई का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बगावत। मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। इन शब्दों के साथ, इस आशा और विश्वास के साथ कि इस बार भूल चूक से शायद कोई वोट पड़ जाए, नहीं कि सारा का सारा वोट कमल के फूल पर पड़ेगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पड़ेगा और करण भूषण को सांसद बनाने के लिए पड़ेगा। बोलो भारत माता की। तो सुना आपने किस तरह से खुलकर बिना डरे उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने जिस तरीके से बुलडोजर नीति का विरोध किया, यह बीजेपी के लिए कोई छोटा झटका नहीं है कि उन्हीं के नेता उन्हीं के जो सांसद है वो इस तरह से बुलडोजर नीति का विरोध कर रहे हैं। जी हां, यही नहीं, बयान से तो तहलका मचा ही है, साथ ही योगी के कार्यक्रम में भी मंच पर वो नजर नहीं आए। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी के संबंधों को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे किरण सिंह के समर्थन में कैसरगंज के पयागपुर में एक रैली आयोजित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में मंच पर ब्रजभूषण नजर नहीं आए। अपने बेटे की रैली से उनका नदारद रहना चर्चा का विषय बना है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी कुछ दिन पूर्व एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनके नेता मोदी हैं। जब योगी के बारे में पूछा गया कि वह आपके नेता नहीं है तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। उनकी यह नाराजगी मंच पर दिखाई भी दी, वो नजर नहीं आए। बेटे के प्रचार के दौरान, योगी के कार्यक्रम के दौरान वो मंच से नजर आते रहे। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीआर साखर नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि अपने ही प्रदेश सरकार व योगी बाबा के बुलडोजर नीति के खिलाफ बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। लगता है कि डबल इंजन का एक इंजन फेल हो गया है और मानो दिल्ली से संदेश आ गया है कि चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। केजरीवाल ने सही कहा था। वहीं राजकुमार सोनकर लिखते हैं कि अब आवाज उठने लगा अपनी ही प्रदेश सरकार व योगी बाबा के बुलडोजर नीति के खिलाफ, बोले सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, बोले बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। लगता है कि डबल इंजन का एक इंजन फेल हो गया है और मानो दिल्ली से संदेश आ गया है कि चुनाव के बाद योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए
पर्याप्त सामग्री मिली है। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में तय आरोपों पर 21 मई को बहस होगी और इन आरोपों में यौन उत्पीड़न का आरोप गैर जमानती है, इसमें 5 साल की सजा है। कोर्ट ने ब्रजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। विनोद तोमर के खिलाफ 506 के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। तो इस तरह से ब्रजभूषण की मुश्किलें भी बढ़ी हैं और ब्रजभूषण अपने बयानों से बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहे 4 PM।